न्यूज टॉप 9 માં હવે જોઈશું ટોપ 9 મહાનગરોના સમાચાર। कोरोना नवा वेरियंट ने लईने अमदावाद कोर्पोरेशन पण एलर्ट थई गयुं छे। विदेश थी आवता मुसाफरोनुं एरपोर्ट पर टेस्टिंग करवामां आव्युं। छेल्ला बे दिवसमां 400 थी वधारे लोको विदेश थी अमदावाद आव्या। आ तमाम लोकोने कोर्पोरेशने सतर्क कर्युं छे अने जरूरी सूचना आपी। नियम मुजब विदेश थी परत अमदावाद फरेला लोकोए 7 दिवस बाद टेस्ट करावी कोर्पोरेशने जाण करवानी रहेशे। विदेश थी आवनार तमाम मुसाफरोए होम आइसोलेशनमां रहेवुं पड़शे। राजकोटना धोराजी में 56 वर्षना व्यक्तिनु कोरोना ने कारण मौत थई गयुं छे। मृतके वेक्सिनो एक पण डोज लीधो नहोतो। आ कोरोना पेशेंटनु राजकोटनी सरकारी हॉस्पिटल में मौत थयुं छे। बीजी बाजु नवा वेरियंटने लईने सिविल हॉस्पिटलना सुप्रिटेन्डेंटे कह्युं के हाल आ नवा वेरियंटनो कोई केस सामे नथी आव्यो, छतां तैयारी करवामां आवी। हाल हॉस्पिटलमां 7 ऑक्सिजन प्लांट कार्यरत छे। कुल 840 बेड उपलब्ध, तेमां 230 बेड ऑक्सिजन साथेना। सूरत में बाहर देश थी आवता लोगों पर खास ध्यान रखवामां आवी रह्युं छे। जे देश में नवा वेरियंटना केस आव्या ते देशमांथी भारत आवता लोगों टेस्टिंग करीने तेमने क्वॉरंटीन कराई रह्या छे। 7 दिवस में क्वॉरंटीन समय दरमियान बीजी वार पण आरटीपीसीआर टेस्ट कराशे, जेथी कोई चूक न रही जाए। म्युनिसिपल कोर्प कमिश्नरे कह्युं के ज्यां सुधी आ वेरियंट पर संपूर्ण रिसर्च न थाय त्यां सुधी लोकोने काळजी राखवानी जरूर छे। राज्य में अलग अलग जगह तबीबों पोताना प्रश्नों ने लेने विरोध प्रदर्शन करता जोवा मळ्या। वात अमदावादनी करिए तो अहीं नीट पीजी काउंसलिंग मुद्दे रेसिडेंट तबीबोए विरोध कर्यो, जेना कारणे दर्दीओने हालाकी पड़ी। जो कि सूरत में आ मुद्दे तबीबोनी हड़तालने मिश्र प्रतिसाद मळ्यो, परंतु 7मा पगार पंच पीएफ सहितना मुद्दे डॉक्टर्स द्वारा काळी पट्टी बांधी विरोध करवामां आव्यो छे। गुजरात हाईकोर्ट में फायर सेफ्टी अंगे सुनावणी करवामां आवी, जेमां हाईकोर्टे कड़क शब्दों में कह्युं के आ मामले कड़क पगला लेवानी जरूर। फायर सेफ्टी नी साथे बिल्डिंग यूज परमिशन अंगे पण पगला लेवाय ते जरूरी। हाईकोर्टे सूचन कर्युं हतुं के उदाहरण प्रस्तुत थाय ते माटे अमुक बिल्डिंगनुं डिमोलिशन करवामां आवे। बलात्कार केस में सजा भोगवी रहेला नारायण साई सामे थयेली फरियाद में रद्द करवा हाईकोर्ट में अरजी थई छे। नारायण साई सामे जेल में मोबाइल उपयोग करवाना आरोप छे, जेनी सामे गुजरात हाईकोर्ट में फरियाद रद्द करवा माटे अरजी करवामां आवी। प्रिजन एक्ट और आईपीसी कलम हेठळ फरियाद थई हती। वर्ष 2020 ऑक्टोबर महीना में सूरत सेंट्रल जेल में बेरेक नंबर 5 और 6 ना हिस्सा में मोबाइल फोन मिली आव्यो छे। पाकिस्तान तरफ थी गुजरात में हेरोइन घुसाड़वाना केस में गुजरात एटीएस ने वधु एक सफलता मिली छे। गुजरात एटीएसे दिल्ली थी एक नाइजीरियन और अन्य बे आरोपी की धरपकड़ करवामां आवी। आरोपी पास थी 3,25,650 ग्राम हेरोइन जत्थो जप्त करवामां आव्यो। आरोपी दिल्ली घर में हेरोइन जत्थो छुपावी राख्यो हतो। कोर्टे आरोपी ने 12 दिवस रिमांड पर मोकली दीधा छे।